किसी भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का प्राइमरी पर्पस आपकी क्लासरूम टीचिंग को इम्प्रूव करना होता है. फॉर एग्जांपल बीएड सेकेंडरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम और डीएलएड एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन प्रोग्राम या एंटिटी और भी कोई टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, तो क्लासरूम टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए ये पूरा कोर्स प्लान किया जाता है. इस कोर्स में दैट इज वाई के लास्ट में स्किल इन टीचिंग एग्जामिनेशन होता है. लास्ट से पहले इस सेशन जो जब ये प्रोग्राम चल रहा है उसके बीच भी आपका एक लेसन प्लान होता है जिसको डिस्कशन लेसन फर्स्ट बोलते हैं, फिर सेकंड होता है जिसको डिस्कशन लेसन टू बोलते हैं, और लास्ट में फाइनल यूनिवर्सिटी जहां जिससे एफिलिएशन आपके प्रोग्राम की है वो फाइनल स्किल इन टीचिंग एग्जाम कंडक्ट किया जाता है. क्योंकि ये टीचिंग एक परफॉर्मिंग आर्ट है, आपने स्टेज पर आके क्लासरूम के सामने आके बच्चों के सामने परफॉर्म करना है. दूसरा पीछे दो टीचर एजुकेटर बैठे होते हैं, उन्होंने आपका वो पूरा देखना है. आप देख सकते हैं कि कैसे आपकी इवेल्युएशन होती है. फॉर एग्जांपल ये क्लासरूम है आपका और यहाँ आप मंच पर हो और ये आपके जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टीच करना है और लास्ट में दो एग्जामिनर बैठे हैं, इनके सामने आपने परफॉर्म करना है. पहली तो एंजाइटी आपकी टेंशन ये है कि आपको रियल स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ेगा. दूसरा है कि आपको दो एक्सपर्ट इवेल्युएट कर रहे हैं. That is why skill in teaching exam की preparation आम exam से ज्यादा जरूरी है. Skill in teaching exam की अच्छी preparation के लिए इसको अपने teaching skill को better करने के लिए तीन phases में मैंने इसको divide किया है. First is before exam आपने क्या करना है, during exam जब आप teach कर रहे हो तब आपने क्या करना है, after. After क्यों रखा गया है, क्योंकि डिस्कशन जैसे पहले बताया डिस्कशन लेसन वन होता है, डिस्कशन लेसन टू होता है और ये आपका फाइनल एग्जाम हो गया. जब डिस्कशन फर्स्ट होता है तो इसके बाद भी आपने रिफ्लेक्शन करना है ताजो सेकंड डिस्कशन में आपकी टीचिंग इंप्रूव हो जाए. सेकंड डिस्कशन में आपने आफ्टर एग्जाम क्या करना है, जो भी उसकी रीप्लानिंग करके रिफ्लेक्ट करके आप फाइनल लेसन प्लान को फाइनल स्किल इन टीचिंग को इंप्रूव कर सके. इस वीडियो में सिर्फ हम बिफोर एग्जाम आपने क्या करना है उसकी बात करेंगे. उसका फर्स्ट पॉइंट है कि आपने कोई भी सब्जेक्ट मैटर जो आप टीच करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटी है, मार्केटिंग है, डिमांड एंड सप्लाई है, उसको क्रैम नहीं करना. सब्जेक्ट मैटर को क्रैम कभी भी नहीं करना, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसको अंडरस्टैंड करना है. अंडरस्टैंड कैसे करेंगे कि सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक में उसको रीड कर रहे हो, रीड करते हुए आप जो डिफिकल्टीज हैं उनको अंडरलाइन कर लेते हो, अंडरलाइन करने के बाद डिक्शनरी को कंसल्ट करते हो, एडिशनल सोर्स को, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट से है, यूट्यूब पर आजकल तो हर लेसन पर यूट्यूब पर वीडियो मिल जाता है, वो आप अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ते हो. अपने पीयर से आपका जो साथी है, फॉर एग्जाम्पल आप इकोनॉमिक्स के हो वो भी इकोनॉमिक्स के हैं, तो उनसे अपना सब्जेक्ट मैटर डिस्कस करते हो, उनसे आपकी नॉलेज रिच होती है. आप अपने टीचर एजुकेटर से डिस्कस कर सकते हो. एडिशनल सोर्सेज जितने भी आप स्टडी कर रहे हो वो बेशक कंसेप्ट के लिए, एग्जाम्पल के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी रिच होगी, जितनी रिच होगी उतने कॉन्फिडेंट होगे और आपकी मेरे ख्याल में 70% काम हो गया अगर आपका कंटेंट मास्टरी हो गई है. सेकेंड पॉइंट है कि अप्रोच आपने कौन सी यूज करनी है. अप्रोच कौन सी यूज करनी है, इंडक्टिव अप्रोच. कहां डिडक्टिव अप्रोच है, एक इंडक्टिव अप्रोच है. याद रखना है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में इंडक्टिव अप्रोच को प्रमोट किया जाता है. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को रीड कर लीजिए, आपको टोटल डोमिनेंस इंडक्टिव अप्रोच की मिलेगी. अगर आपको पीटेट सीटेट यूजीसी नेट में इवन कोई क्वेश्चन आ जाता है और वहां ऑप्शन अप्रोचेस की है, तो पॉलिसी में इंडक्टिव अप्रोच ही
और ये बात याद रखनी है कि इंडक्टिव अप्रोच बीएड या डीएलएड में विशेष करके ग्रामर में कभी भी आप मिस नहीं कर सकते, आपको इंडक्टिव से ही चलना पड़ेगा। साइंस में मिस नहीं कर सकते, मैथ्स में नहीं मिस कर सकते, हाँ सोशल साइंसेस में कुछ टॉपिक में इंडक्टिव अप्रोच आप इजीली यूज कर सकते हो। ज्यादा मेहनत करके सभी टॉपिक्स को आप इंडक्टिव अप्रोच से टीच कर सकते हो। इंडक्टिव अप्रोच होती क्या है कि आपने टीचिंग के दौरान पहले पर्टिकुलर एग्जांपल्स देनी है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल एक बच्चों के सामने रखी, एग्जांपल टू, एग्जांपल थ्री, ओके। तो सेकंड स्टेप उसका क्या होता है कि इन एग्जांपल को बच्चों को एनालाइज करने को कहती हूँ, बेटा इसमें सिमिलैरिटी क्या है, दो एग्जांपल आपने देती, अच्छा इनमें डिफरेंस क्या है, बच्चे सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस इवेलुएट करते हो, आप उनको हिंट देते हो। ये सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के बाद लास्ट में बच्चे जनरल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, उसको आप डेफिनेशन भी कह सकते हो, आप लॉ भी कह सकते हो, प्रिंसिपल भी कह सकते हो, रूल भी कह सकते हो, कंसेप्ट भी कह सकते हो, कुछ भी है, वो जनरलाइज्ड चीज है। इट मींस पर्टिकुलर एग्जांपल को पेश करना है, एनालाइज करवाना है और लास्ट में आपने जनरल कंक्लूजन तक लेके जाना है। एक्चुअल में इंडक्टिव अप्रोच में बच्चों ने ही डिफाइन करना होता है, बच्चों ने लॉ जो है फाइंड करना होता है। फॉर एग्जांपल है डिमांड एंड सप्लाई का रिलेशनशिप है, वो खुद देखते हैं कि जब जब मैडम एग्जांपल में जो डिमांड बढ़ रही है तो जो प्राइस जो है उसके साथ वो बढ़ रहा है, उन्होंने एवेल्युएट किया। दूसरा है कि आप खुद बता देते हो, उसको ट्रांसमिशन अप्रोच कहते हो, ये आप रहे और ये आपने सीधा बोल दिया, बेटा ऐसे होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग कम है। तो वो बीएड के इस एग्जाम में आपने कम से कम ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्टेप पहले एग्जांपल्स पेश करनी है। अगर आप एनालाइज अच्छी तरह नहीं कर पाते क्योंकि इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, ये एग्जांपल एनालिसिस एंड देन लास्ट में जनरलाइज्ड कंक्लूजन। क्वेश्चन ये भी पीटेट सीटेट में आता होता है कि पी से जी इंडक्टिव अप्रोच है, अगर जी से पी आते हो तो वो डिडक्टिव अप्रोच हो सकती है। टीचर एजुकेटर जो पीछे बैठे हैं वो इवेल्युएट कर रहे हैं, जब उन्होंने को पता चल गया कि ये डिडक्टिव अप्रोच यूज कर रहा है तो आपके लगभग क्रॉस लग जाता है, मार्क्स काफी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने फीडबैक का मैक्सिमम प्रयोग करना है। फीडबैक, आज किसी भी चीज को इम्प्रूव करना है, किसी भी चीज को, फीडबैक इज ए साइंटिफिक वे। होती क्या है फीडबैक, व्हाट एवर यू आर परफॉर्मिंग, ये टीचर हो, आपने क्लासरूम में परफॉर्म किया, ओके, ये बच्चे बैठे हैं, परफॉर्म करने के बाद आप अपनी परफॉर्मेंस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। इंफॉर्मेशन दो तरह की हो सकती है, नेगेटिव आपकी वीकनेसेस, पॉजिटिव आपकी स्ट्रेंथ्स, आपने अच्छा क्या किया और अच्छा क्या नहीं किया, उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। वो कैसे कर सकते हैं, थ्री सोर्सेस है। फर्स्ट सेल्फ, वो क्या है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेसन अभी टीच नहीं, आप घर में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, कॉलेज जाके चॉकबोर्ड के रूम में जाके, क्लासरूम में जाके रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे ये मैं कर रहा हूँ, मोबाइल सबके पास है, ये रिकॉर्डिंग करके आप खुद उसको बाद में देखते हो कि मैंने कौन कौन सी गलतियां की थी और फिर प्लान करते हो कि ये गलती नहीं करनी, उसकी प्रैक्टिस करते हो, नेक्स्ट फिर रिकॉर्डिंग करते हो, परफॉर्म करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो, परफॉर्म करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो। पर याद रखना है, सेल्फ फीडबैक इज नॉट सफिशिएंट। क्यों? क्योंकि टीचर एजुकेटर की फीडबैक मिनिमम एक दो तीन बार जरूरी है। कारण क्या है कि जो स्किल इन टीचिंग जो एग्जाम होने जा रहा है उसमें इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया टीचर एजुकेटर को पता है, आपको नहीं पता, वो देखेगा कि आपकी ये जो परफॉर्मेंस है वो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, जैसे स्किल इन टीचिंग एग्जाम में हमने मार्क्स लगाने हैं उसके अकॉर्डिंग है। दैट इज वाई यहां पर ज्यादा जरूरी है टीचर एजुकेटर। थर्ड है, आप पीयर की फीडबैक ले सकते हो, फ्रेंड जैसा
आपके साथ ही जैसा क्लासमेट बी एड का जो है आपके ही सब्जेक्ट का है, दूसरे सब्जेक्ट का है, आप टीच कर रहे हो, वो पीछे देख रहा है और थोड़ी देर बाद आपको बताता है कि ये वीकनेस है, ये अच्छा पॉइंट था, उसके बाद आप फिर इम्प्रूव करते हो। वीडियो रिकॉर्डिंग इज मोस्ट कॉमन वे ऑफ गेटिंग फीडबैक फ्रॉम इवन सेल्फ पीयर को आप वीडियो भेज सकते हो, अपने टीचर को भी भेज सकते हो, मैडम सर ये मैंने बनाई है काइंडली इसको इवेल्युएट कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है डिफिकल्ट वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने जब टेक्स्ट बुक पढ़ी तो आपकी दो तरह की, एक प्रॉब्लम जो मेन है प्रोनाउंसिएशन की, आप कोई वर्ड आपने ढूंढा कि यार ये मेरे से प्रोनाउंस सही नहीं होता, उसकी प्रैक्टिस करनी। कितने वर्ड होंगे, 2,000, 5,000, इससे ज्यादा नहीं होंगे, आप उसकी बोलकर प्रैक्टिस करो। जैसे ये वर्ड बोलने में मुझे दिक्कत होती है, फ्रेटर्निटी नहीं बोला जाता। मैंने क्या किया, पहले इसको तोड़ लिया, फ्रेटर्निटी। थोड़ी सी ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए, इंग्लिश टीचर के पास जाओगे डिस्करेज हो जाएगा, वो बड़ी आपकी एक्सेंट की जो आइल्स की तैयारी कराते हैं वो ऐसे आपकी गलतियां निकालेंगे, आप डिस्करेज हो गए, इतनी नहीं तैयारी करनी, बस आपने इंप्रूव करना है। और शब्द है जैसे एंथुजियास्टिक, मेरे बहुत बहुत डिफिकल्ट लगता है मुझे बोलना, तो आप इसको तोड़ सकते हो, एंथुजियास्टिक कोई भी शब्द है उसके हिस्से करके तोड़ के फिर उसको बार बार बोल के प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करके एग्जाम से पहले एग्जाम में जाओ। नेक्स्ट है चॉकबोर्ड राइटिंग, मार्क्स कट जाते हैं, सीधे मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड या कोई और बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, उस पर आपने लिखना जरूर है, लिखना पड़ता है। विदाउट ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, डिजिटल बोर्ड आप टीच नहीं कर सकते, अच्छी टीचिंग नहीं पॉसिबल, ये पक्का प्रिंसिपल है, क्योंकि विजुअल इंफॉर्मेशन देने वाला ये पक्का साथी है, आपका फ्रेंड है। तो किन बातों का ध्यान रखना है, एरर्स जो होती हैं, और सेकंड एस्थेटिक। एरर्स में मेन क्या है, स्पेलिंग एरर कोई ना हो, जैसे पिछले पॉइंट में हमने देखा है कि मैंने फ्रेटर्निटी, एंथुजियास्टिक, फिर आर्किटेक्चर, एक मेरी स्टूडेंट थी वो आर्किटेक्चर बेचारी ने इतनी मेहनत की, आर्किटेक्चर गलत लिखा गया बोर्ड पर, टीचर ने कमेंट कर दिया और वो टूट गई। तो एक शब्द की प्रैक्टिस के कम के कारण आप सारा कुछ खो देते हो, हौसला खो देते हो, दैट इज वाई वो डिफिकल्ट वर्ड है उनकी प्रैक्टिस आप एक तो नोटबुक पर लिख के बार बार कर सकते हो, अगर कॉलेज जाते हो तो बोर्ड पर, ऐसे बोर्ड पर लिखकर, ग्रीन बोर्ड पर लिखकर बार बार उसको देख सकते हो। वैसे प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए कि जो भी आपने बोर्ड पर लिखना है वो एग्जाम से 8-10 दिन पहले रोज बोर्ड पर लिखो। एस्थेटिक सेंस का ध्यान रखना है, एस्थेटिक सेंस ये तो मशीन है ना, ये परफेक्ट है, इसे आप देख सकते हो, जैसे ये स्लांटिंग नहीं है, सीधी हमारी जब ब्लैकबोर्ड राइटिंग कई भी होती है ऊपर को कई बार जाते हैं, कोई ऐसे 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 पहाड़ों से नीचे आ जाता है, ऐसे नहीं चढ़ना, सीधा रहना है, वो भी प्रैक्टिस से होगा। अच्छा एस्थेटिक सेंस और किससे होती है, आपने EST साइज इक्वल साइज रखना है, EST इक्वल साइज, बहुत छोटा साइज नहीं रखना, EST के पढ़ा ही ना जाए, मिडल का साइज बच्चों को विजिबल हो और उसका स्टैंड रखना है, ये भी प्रैक्टिस से होगा। ये एस्थेटिक्स का सीधा प्रभाव आपके मार्क्स पर पड़ता है। ओके आपने पोस्टर का ध्यान रखना है, आप ये देख सकते हो, मेरी गलतियां निकाल सकते हो, निकालो मुझे अच्छा लगेगा, परफेक्ट मैं नहीं हूं। पोस्टर क्या है कि जब जैसे ये आपकी ये वायु आपका बाहर चाहिए, ऐसे लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस वीडियो में देखो मैंने ठीक लिखा है, ये नोट लिखा था, साथ साथ में बोल भी रहा हूं कि नोट है, और साथ में कैमरे की तरफ इस तरफ देख रहा हूं, स्टूडेंट्स की तरफ देख रहा हूं, ये पोस्चर जरूरी है, ये आपको बताता है कि यू आर अलर्ट एंड एक्टिव। ऐसे क्यों रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसे लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, लिखने बच्चों जो देख रहे हैं उनको तो दिखाई नहीं देता, ऐसे कम्युनिकेशन पूरा हो रहा है, उनको दिखाई साथ में दे रहा है,
डेली होगा। अच्छा ये वीडियो है एक स्टूडेंट की, अच्छा देखो कि इस स्टूडेंट ने ठीक तरह की है, इनको एवेल्युएट करो। इनकी स्पीड स्पीड अच्छी है, पोस्चर बिल्कुल ठीक है, जो एस्थेटिक सेंस है ये देखिए, एस्थेटिक सेंस ये बिल्कुल ठीक है, इंटर वर्ड डायग्राम बना दो, स्पेस कितनी है, इंटरलाइन स्पेस वो कितनी है। मैं कह रहा हूं कि डायग्राम बना दो, उन्होंने बनाया नहीं। ये नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आप ब्लैक बोर्ड को ग्रीन बोर्ड को यूज कर रहे हो तो आपको कम से कम कोई ना कोई डायग्राम, एक आध डायग्राम आपने बनाना ही बनाना है, आपका प्रभाव बढ़ेगा। और कोई भी, मैंने ये प्लान नहीं किया था, मैंने इतने, मैंने इस वीडियो में कितने डायग्राम बनाते, कितनी बार वो आपका क्लासरूम वाला बना दिया, उससे थोड़ी सी आपको फैसिलिटेशन होती है, इंफॉर्मेशन अंदर जल्दी जाती है। जो विजुअल लर्निंग स्टाइल वाले स्टूडेंट्स होते हैं, लर्नर होते हैं, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल एड का प्रयोग। एक तो आप बनाते हो ऑडियो विजुअल एड, तब भी ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल आप चार्ट बना लेते हो, चार्ट बना लिया और लिख लिया चार्ट है। दूसरा है, अब बच्चों को ये दिखाई देगा, पिछले वाले को ये दिखाई देगा, ये कॉमन सेंस है। जो भी चार्ट विजुअल एड आप बना रहे हो, चार्ट है, मॉडल है, उस पर कुछ राइटिंग है, लिखिया लिखा हुआ है कुछ, वो कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए कि कुछ दूरी तक वो दिखाई दे सके। दूसरा उसका यूज है, अगर थोड़ा छोटा लिखा हो, ज्यादा छोटा है तो मार्क्स कट गए, अगर थोड़ा छोटा लिखा हुआ है तो आपने उसका अरेंज कहां करना है। मैं उसको बच्चों के करीब ले जाकर एडजस्ट कर सकती हूँ, वहां रख सकती हूँ, रख सकता हूँ। ठीक है, ऑडियो अगर आपकी है तो क्या वो सुनाई दे रही है। आपने इंश्योर करना है जब आप यूज कर रहे हो ऑडियो विजुअल एड को, चार्ट को, मॉडल को, टेप को, मूवी को, फ्लैश कार्ड को, तो अगर ऑडियो है तो क्या आवाज पिछले बच्चे तक पहुंच रही है, इंश्योर कम्युनिकेशन। विजुअल है, कोई भी है, मॉडल है, चार्ट है, मूवी है, विजुअल ज्यादा है ना आपका, इवन बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, क्या लास्ट वाले बच्चे को दिखाई दे रहा है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है उसको एडजस्ट कर सकते हो, किसी की विजन की प्रॉब्लम है, आप उस एग्जाम में भी कर सकते हो, इंश्योर कर सकते हो, बेटा सबको दिखाई दे रहा है, बेटा आप ठीक हो, आपको दिखाई दे रहा है, आप जज कर सकते हो कि इस बच्चे को डिफिकल्ट है, दिखाई नहीं दे रहा, आपको एडजस्ट करना होगा। ये यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड का फर्स्ट प्रिंसिपल है कि एंश्योर कम्युनिकेशन थ्रू ऑडियो और विजुअल चैनल्स। सेकंड, आप अपने जो अपने ऑडियो विजुअल एड जो भी बनाई है उसको वन वे प्रोसेस मत रखिए। ये आपको ये एड है, ठीक है, आप ये बता बेटा ये है, ये है, ये है, बता रहे हो, जस्ट बता रहे हो, बता रहे हो, वन वे कम्युनिकेशन है, उसको इंटरेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन कीजिए। उस मॉडल से आप कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक पुराने गांव का मॉडल, मैं एक पोएम पढ़ा रहा हूं और पुराने गांव की तस्वीर है उसमें, जो मॉडल में बनाया है, कच्चे घर है, कैसे वो रूरल लाइफ थी वो सारा बनाया है। तो मैं ये कहूंगा कि अच्छा बेटा आपने अब का गांव देखा है सबने, यस देखा है, तो ये देखो ये पुराना गांव है, नया गांव है, डिफरेंस फाइंड आउट करो, इंटरेक्टिव हो गया। अब मैं जो पकड़ा हूं वो डिफरेंस ढूंढ रहे हैं, तो ये थिंकिंग प्रोसेस चल रही है, ये बहुत जरूरी है। अच्छा आप कह सकते हो कि अच्छा ये इनमें से कौन कौन सी चीज ऐसी है जो आपको नोन है, जिसको पता है वो आके चलो एक्सप्लेन करो, आप क्या है आप बताओ, अगर वो थोड़ी गलती करता है आप थोड़ी इंप्रूवमेंट करते हो, किसी और को करते हो, रीइंफोर्समेंट देते हो, शाबाश बेटा बहुत अच्छा किया। तो इंटरेक्टिव बनाना है, इसके मार्क्स बहुत है, एक्टिविटी ओरिएंटेड टीचिंग के मार्क्स सबसे ज्यादा होते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 में भी इसका बार 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 जिक्र और जोर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेप्स एंड ऑर्डर्स।
लिटरेचर में आपकी आगे पोयम, एसे और आपकी स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल पोयम में फर्स्ट स्टेप है आदर्श पाठ। टीचर टेक्स्ट बुक देख के पोयम को आइडल कैसे पढ़ना है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, बुक्स बंद है। दूसरी में आप ऑर्डर, कोई भी आपका टीचर एजुकेटर जो भी ऑर्डर कह रहा है, पहले बुक बंद करनी है बाद में करनी है, ये आपका टीचर एजुकेटर का लेना देना है। लेकिन फर्स्ट स्टेप है, अच्छा आपने डेमोन्स्ट्रेशन वो आइडियल लेसन पढ़ दिया, फिर आपने बुक खोल के दूसरा आपने चैप्टर स्टेप रख लिया कि ऐसे करना है। तीसरा आपने डिफिकल्ट वर्ड्स पोयम में कौन से हैं, अच्छा आप बीच में कई बार वो बच्चों से भी टीच करवाते हो, एक स्टेप वो है। के बाद आप ऑडियो विजुअल है उसके अनुसार मैंने इस पोयम को एक्सप्लेन करना है। जैसे ये स्टेप्स हैं लिटरेचर में, ये रिजिडली यहाँ रिजिडिटी का कंसेप्ट है, आगे जाके फ्लेक्सिबिलिटी का कंसेप्ट भी आएगा। रिजिड है कि आपको इनको फॉलो करना ही होगा। इसके लिए आप अपनी जो टीचिंग पेडागॉजी सब्जेक्ट की बुक है उसके लास्ट में चैप्टर लेसन प्लान बने हुए हैं, उनको जरूर देखिए। मेरी टीचिंग ऑफ हिस्ट्री, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, टीचिंग ऑफ लैंग्वेज के जो भी मैंने खुद लेसन प्लान बनाए हैं उनमें ये फॉर्मेट फॉलो, मैक्सिमम जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है वो फॉलो किया है, उसको जरूर देखिए। जो आप बुक जहां से भी आपके टीचर एजुकेटर टीच कर रहे हैं उसको देखें, मेरे वाले नहीं, वो टीचर एजुकेटर को फॉलो करना है। तो वो स्टेप्स, वो ऑर्डर मिस नहीं होने चाहिए किसी भी हालत में। ऐसे ही सोशल साइंस में है, फॉर एग्जांपल आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहे हो, फर्स्ट फंडामेंटल राइट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, जो प्लान किया है उसके मुताबिक ही वो चलेगा। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, 95% इंडियन लेसन प्लान्स में इसकी वायलेशन होती है। व्हाट इट इज मैच ऑफ, मैच किसको करना है, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच करे कंटेंट, कंटेंट के साथ मैच करे वो क्वेश्चन जिसके बेस पर आपने इवैल्यूएशन करनी है। तो मैचिंग का प्रिंसिपल क्या है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव थे वही टीचिंग पॉइंट होंगे, उससे रिलेटेड ही आपकी इवैल्यूएशन प्रोसीजर और आपके क्वेश्चन होंगे, उससे रिलेटेड ही आप होमवर्क दोगे। फॉर एग्जांपल आपका पहला ऑब्जेक्टिव किसी टर्म को डिफाइन करना था, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म राइट, ड्यूटी, डिमांड, सप्लाई, व्हाटएवर इज, तो आपका कंटेंट भी उससे रिलेटेड ही आप टीच करोगे, आप उससे रिलेटेड ही एक या दो, हाँ ज्यादा क्वेश्चन आप पूछ सकते हो लेकिन उसी लाइन में होने चाहिए। तो उससे आप होमवर्क भी वैसा ही दोगे, राइट या ड्यूटी को अपने वर्ड्स में डिफाइन करके लेके आओ। सेकेंड ऑब्जेक्टिव आपका कंपैरिजन से है, तो आपका कंटेंट भी, आपके क्वेश्चंस भी, आपका होमवर्क भी उससे रिलेटेड होगा। ये जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है वर्ल्ड वाइड क्यों एक्सेप्टेड है, क्योंकि एक वर्ड फॉर एग्जांपल कंपेयर है, क्लासिफाई है, एलैबोरेट है, एग्जांपल है, क्रिएट है, एक वर्ड ही बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव का आपके टीचिंग पॉइंट को डायरेक्ट करता है। आपने क्या करना है, उसी लाइन में रहना है, वही शब्द आपका यूज होगा जो आप क्वेश्चन पूछते हो रिकैप्चुलेशन में, इवैल्यूएशन में, और वही शब्द होगा जो आप होमवर्क में यूज कर सकते हो, उसमें कुछ ऐड कर सकते हो कि बच्चे की एक्सरसाइज नहीं हो, उस कंसेप्ट की एलैबोरेशन हो, ये बात को बस ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है पॉइंट प्रैक्टिस ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। दो बातें, अगर आप एक ही पोस्चर में आप एक ही चीज पर फोकस अपने बच्चों को रखते हो तो उनका जो अटेंशन स्पैन है बहुत छोटा है, दैट इज वाई आपको चेंज होना होगा। चेंज क्या करना है, फर्स्ट इंटरेक्शन। इंटरेक्शन में क्या, हम यूजली इंडियन क्लासरूम में होता क्या है कि ये आप हो, आप इंटरेक्शन कर रहे हो, बच्चे ये हैं, ओके, तो बच्चे लगातार सुन रहे हैं, वन वे कम्युनिकेशन हो गया। इसको चेंज करो, थोड़ी देर के लिए बच्चों से कुछ पूछो, बच्चे बोल रहे हैं अब आप सुन रहे हो। तीसरा, आप बच्चों को 30 सेकंड 20 सेकंड दे सकते हो, बेटा इन दोनों टर्म में डिफरेंस बताओ। अब बच्चे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्शन स्टाइल चेंज करो, बहुत जरूरी है, बीएड में मार्क्स इसके बहुत लगते हैं। मूवमेंट्स है, आपकी मीनिंगफुल मूवमेंट्स होनी चाहिए। मीनिंगफुल मूवमेंट्स क्या होती हैं
कि जो लर्निंग को फैसिलिटेट कर रही हैं। ओके, तो आप मूवमेंट क्या है, बॉडी आप यहां लेके आ रहे हो, आप ग्रीन बोर्ड के इधर रह रहे हो, आप ग्रीन बोर्ड के कभी इधर आ रहे हो जब जरूरत पड़ती है, इधर से एक्सप्लेन करते हो, आप बच्चों के पास जाते हो, उनका काम ऑब्जर्व करते हो, ये मूवमेंट जरूरी है, एक जगह स्टिल नहीं रहना। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी, याद रखना है जो स्टेप्स मैंने पीछे बताए थे, लिटरेचर और सोशल साइंस के कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें स्टेप रिजिडली फॉलो होते हैं, वो अलग है। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है कि नई सिचुएशन आ गई, नए तरह का क्वेश्चन आ गया, जहां क्लासरूम सिचुएशन वैसी नहीं थी जैसी आपने अज्यूम करके चले थे, तो आपको फॉलो किस चीज को करना है, अपने लर्निंग के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आपको कुछ चेंज करना पड़ता है अपने बिहेवियर में। जो चेंज आप करते हो उसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हो। अकॉर्डिंग टू चेंज सिचुएशन यू आर चेंजिंग योर बिहेवियर, योर टीचिंग टेक्निक, योर एग्जाम्पल, योर स्टाइल, वट एवर इज, आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो और करना चाहिए लाइफ में भी, एग्जाम में भी, स्किल इन टीचिंग के भी। यूज ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, अगर इंग्लिश के बच्चे हैं तो इंग्लिश यूज करो, अगर बच्चे रूरल के हैं उनको मदर टंग ही समझ ज्यादा आती है, रीजनल लैंग्वेज ज्यादा समझ आती है, उनकी होम टंग ज्यादा समझ आती है, तो आप उनकी भाषा को ज्यादा यूज करोगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इस पर बहुत जोर दिया गया है, इवन पॉलिसी ने तो यह भी कह दिया है कि लोकल टीचर अपॉइंट किए जाएं स्कूल्स में जो उन बच्चों की लैंग्वेज को अच्छी तरह से, कल्चर को अच्छी तरह से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां है कि अगर इंग्लिश भी आप टीच कर रहे हो, पॉलिसी में ये सजेस्टेड रिकमेंडेड है, तो जरूरी नहीं है कि बीएड के एग्जाम में सारी इंग्लिश बोलनी है। अभी टीचर एजुकेटर चेंज नहीं हुए हैं, उन्होंने अभी पॉलिसी देखी नहीं है, लेकिन सजेस्टेड है, तो आप इंग्लिश के लिए भी बाइलिंगुअल मेथड मीन इंग्लिश प्लस उनकी मदर टंग को कंबाइनली जो लर्निंग को फैसिलिटेट करे वहां वो यूज करोगे, जहां जरूरत होगी मदर टंग की, जहां जरूरत होगी इंग्लिश की उसको भी यूज करोगे, उनको रिलेट करोगे, ये बहुत जरूरी हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है ओके नोवेलिटी, आपके पास कंटेंट बेशक 100% आपने याद कर लिया है, लेकिन वो सारे का सारा अगर पुराना है तो उसकी कम वैल्यू है जिसने कंटेंट तो लर्न किया लेकिन ज्यादा नए ऑब्जेक्ट, नई नॉलेज और नई एग्जांपल्स हैं उनके पास, उसकी टीचिंग इफेक्टिव होती। क्यों? नए को सारे लर्नर इवन टीचर एजुकेटर अटेंड करते हैं। आपके पास नए ऑब्जेक्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल आपके अर्बन स्कूल के बच्चे हैं, आप रूरल के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, गांव के कोई ऑब्जेक्ट्स हैं वो लाओगे तो बच्चे उनको बड़े इंटरेस्ट से देखेंगे, उनके लिए नए हैं, उन्होंने गांव कम देखे हैं या नहीं देखे। आप नई नॉलेज लेके जाओ जो टेक्स्ट बुक के पास नहीं है, गूगल के पास नहीं है, नई एग्जाम्पल्स लेके जाओ जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, उससे एडिशनल एग्जाम्पल लेके जाओ, आपकी टीचिंग इफेक्टिव होगी। अगर आप उससे पीछे हो तो बिल्कुल नहीं, नेचुरल बनो, आर्टिफिशियल नहीं बनना। अगर क्रैमिंग करोगे, फर्स्ट वाला पॉइंट याद करो, तो आप आर्टिफिशियल बनोगे। अगर अंडरस्टैंड करके आप ये ऐसा समझो ना कि बच्चे हैं, वो शरारत भी करेंगे, वो हंसेंगे भी, वो रियल क्वेश्चन भी करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे, आप उनको ह्यूमन बीइंग लेके चलो, मशीन मत लेके चलो कि मैं ये बोलूंगी वो ध्यान से सुनेंगे, ऐसे नहीं, नेचुरल बनो, आप उसके फ्रेंड बनो। लास्ट लगभग पॉइंट है कि अगर टेक्निकल फेलियर आता है, बिजली चली जाती है, पीपीटी बंद हो जाती है, कुछ ऐसा फेलियर हो जाता है, तो उसके लिए रेडी रहना है। टीचर एजुकेटर को पता है ये फेलियर कभी भी कहीं किसी के साथ हो सकता है, अगर आप उसको भी मैनेज कर लेते हो ये भी आपकी अच्छी टीचिंग स्किल होगी। तो ये पॉइंट्स हैं, अगर आप बीएड के एग्जाम, डीएलएड के एग्जाम, स्किल इन टीचिंग में जाने से पहले इनका ध्यान रखो कि डेफिनेटली आपके एग्जाम अच्छे होंगे। अगर आप इनको टीचिंग लाइफ में अप्लाई करोगे तो आप रिफ्लेक्टिव टीचर बनोगे, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जोर दिया जाएगा। देखना, इस पर सेमिनार भी होंगे, इस पर आपको मोटिवेट भी किया जाएगा कि ऐसे टीच करो, ऐसे टीच करो, फीडबैक लो, वो ये पॉइंट ही मेन है।
ऐसे टीच करोगे। अगर आपको कोई क्वारी है, कमेंट है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, फोन मत कीजिए, टेक्स्ट मैसेज भी मत कीजिए, सारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि जो मैं रिस्पांस करता हूँ वो बाकी जनों के लिए भी लाभकारी हो। थैंक यू।